तो दोस्तों थंबनेल पे देख के आप समझ चुके होंगे कि आज के डेट में जो हमारे पास सैमसंग का F22 मोबाइल फोन है, और दोस्तों ये 22 मोबाइल फोन जो है वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा। और दोस्तों अगर आपका बजट जो है 10,000 से नीचे का है तो बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए ये फोन है। और दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करेंगे, और दोस्तों इसके साथ आपको पूरा रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसके बाद जानते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपके कामों में ये आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, तो इनके बारे में पूरी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास आपको पता ही होगा, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो सारा फ्लिपकार्ट की तरफ से आता है। और दोस्तों चलिए हम पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बॉक्स को चारों तरफ से देख लेते हैं, कहीं भी कोई भी कट का निशान आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे पहले चलिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चाबी है, और दोस्तों चाबी के मदद से हम इसे कट कर देते हैं। और दोस्तों कट करने के बाद चलिए यहाँ पर लगा हुआ रह गया, तो चलिए इसे भी कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है बिल। और दोस्तों हमारे बिल जो है यहाँ पर देख लीजिए, हमारा बिल जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों बिल का कोई काम नहीं है, तो चलिए हम अपना फ़ोन को निकाल लेते हैं। तो अपना फ़ोन देख पा रहे हैं हमारा निकल चुका है। और दोस्तों यहाँ पे गजब का लुक देखने को मिल जाता है, पैकेट जब इतना गजब का आपको देखने को मिलता है सैमसंग F22। और दोस्तों चलिए इसे चारों साइड देख लेते हैं। तो दोस्तों चारों साइड आप देख लेते हैं, और दोस्तों ये आपको हम बताए थे कि 4GB 64GB में आपको मिलता है। और दोस्तों इसका प्राइस की बात करें तो बॉक्स पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा 12,520 रुपये। तो दोस्तों इतना आपका अमाउंट नहीं लगने वाला है, तो चलिए सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। तो हमारा स्टिकर जो है, स्टिकर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर सैमसंग की तरफ से जाता है, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। यार निकल तो नहीं रहा है, तो चलिए हम चाबी मार के कट कर देते हैं इसे। और दोस्तों अब चलिए उस साइड का भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा देता है, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से देता है। और दोस्तों ये भी स्टिकर बहुत ही ज़्यादा खास होता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी प्रोडक्ट खोल ना पाए। तो चलिए दूसरा भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी नहीं निकल रहा है, तो चलिए इसे भी चाबी से हम काट देते हैं। और दोस्तों चाबी से कट चुका है, और दोस्तों चलिए हम अपना जो है फ़ोन जो निकल चुका है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है फ़ोन, और दोस्तों इसका पिन वगैरह तो पहले ही निकल चुका है, तो दोस्तों ये ऊपर वाले बॉक्स में फंस के रह गया है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं पहले फ़ोन को, और दोस्तों फ़ोन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं, तो फ़ोन हमारा जो है हमारे हाथों में, और दोस्तों इसका प्लास्टिक भी हमने निकाल चुके हैं। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि अपना फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पतला पीस मिलता है, साइड में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, और दोस्तों 4 कैमरा मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक नीचे फ्लस, और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपना जो है सिम लगाने का जगह आपको मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर साइड में आपको एक हॉल मिलता है, जो कि आपको शायद ये जो होता है टीवी का रिमोट कंट्रोल करने के लिए होता है। तो यहाँ पे एयरफोन का जगह मिलता है, चार्जर मिलता है, स्पीकर मिल जाता है नीचे के साइड में। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं हम फ़ोन को। तो फ़ोन को पहले ऑन कर लेते हैं, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारा जो फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। तो सैमसंग गैलेक्सी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चार्जर देख लेते हैं। तो हमारा जो चार्जर है, चार्जर आपको मिल जाता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सैमसंग का चार्जर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों ये चार्जर पर सैमसंग लिखा हुआ भी मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर केबल मिल जाता है, जो कि डाटा केबल है, ये आपको सी टाइप में मिल जाता है। और दोस्तों इसमें सी टाइप का अभी फ़िलहाल सभी फ़ोन में लगभग सी टाइप का ही चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों चलिए हम अपना पैक कर देते हैं फिर से। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा फोन जो है पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों फोन तो आपके सामने हमने ओपन कर ही दिया, और दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाले थे, जैसा कि आपको पहले भी बताए थे। तो दोस्तों इसमें फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपको जो है 4GB 64GB में आपको मिलने वाला है। और दोस्तों ये 4/64 में मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं 6/128 में भी लेना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो हमारे पास जो फ़ोन अभी अवेलेबल है, जिसका हम अनबॉक्सिंग आपको दिखाए, तो ये 4/64 का है। और दोस्तों इसका बजट जो है 10,000 से नीचे का है। तो चलिए इसका रेंज भी बता देंगे कितना आपको पड़ने वाला है। और दोस्तों इसका प्रोसेसर की बात करें, तो प्रोसेसर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको G80 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मल फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्मल फ़ोन जो होता है, जो आप घर में यूज कर सकते हैं बात वगैरह करने के लिए, वीडियो वगैरह देखने के लिए, ये सब के लिए होता है। इसमें आपको गेमिंग की बात करें, तो गेम आप सही से नहीं खेल पाइएगा, वर्क कीजिएगा, हल्का फुल्का चला पाइएगा, लेकिन दोस्तों सही से अगर वर्क करना चाहे तो गेमिंग के लिए यह फोन बिल्कुल ही नहीं है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें फ्रंट साइड की कैमरा, तो फ्रंट साइड अच्छा है कैमरा। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, कई सारे आपको फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
16 मेगापिक्सल में आपको बड़ा से बड़ा फोन में भी देखने को मिलेगा, महंगा से महंगा फोन भी लीजिएगा तो उसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है और दोस्तों 13 मेगापिक्सल का भी बहुत ही ज्यादा सही होता है। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया 13 मेगापिक्सल का मिलता है। और बैक साइड की बात करें, बैक साइड में आपको 4 कैमरा मिल जाता है, 4 कैमरा में 2 कैमरा आपको मिलता है 2-2 मेगापिक्सल का, और दोस्तों एक कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और दोस्तों मेन कैमरा जो रियल कैमरा होता है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और दोस्तों जो कि फोटो की क्वालिटी की बात करें तो फोटो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और दोस्तों आपको हम दिखा दें कि ये देखिए सेल्फी हमारा जो लिया गया इसी फोन से लिया गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, तो दोस्तों ये आपको और भी हम आपको कुछ जानकारी दे दें तो इसमें आपको बता दें कि डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले इसमें जो मिलेगा, डिस्प्ले आपको कहीं भी कोई कट तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपको जब यूज कीजिएगा वीडियो वगैरह देखिएगा थोड़ा थोड़ा आपको चारों साइड में कट मिल जाएगा। तो दोस्तों 6.4 इंच का फुली डिस्प्ले मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको जो है बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको मिल जाता है 6000 mAh का, जो कि अच्छा, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों हम यूज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का बैटरी है। बैटरी का बैकअप जो है आपको कई सारे फोन में, बड़े से बड़े फोन में देखिएगा 4500 mAh का, 5000 mAh का मिलता है, लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है 6000 mAh का। तो दोस्तों बैटरी ज़्यादा उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों आपको बैटरी जो होता है डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों इसमें कुछ खास डिस्प्ले आपको नहीं मिलता, और दोस्तों जब डिस्प्ले खास नहीं है तो दोस्तों बैटरी भी बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया इसके बारे में। और दोस्तों अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हैं, घर में यूज करने के लिए लेना चाहते हैं या फिर किसी को देने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों गेमिंग के लिए तो बिल्कुल ही मत लीजिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ये वीडियो पूरा, तो दोस्तों समझ में आ गया तो वीडियो को सबसे पहले कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।